हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गट्टे की सब्ज़ी। यहाँ मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है। इस तरीके से इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला है और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसका कुछ इस तरीके से शेप बनाएंगे और इसे बॉईल करेंगे 10 मिनट्स के लिए। यहाँ हम जब तक मसाला ले लेंगे, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून जीरा डाला है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। और कम से कम मसाले को 10 मिनट्स तक अच्छे से भूनेंगे। गट्टे हमारे उबल के रेडी हैं। ये इसमें जिसमें गट्टे उबले हैं ये पानी भी आप ना फेंकें, ये हमें आगे ग्रेवी में डालने के काम आएगा। इस तरीके से कट कर लें। अब यहाँ मसाले में मैंने सॉल्ट डाला है। यहाँ मैंने मसाला होने पर एक बड़ा टमाटर डाला है, आप चाहे तो दही भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें गट्टे डालेंगे, अच्छे से मिक्स करें। ये जो लेफ्ट ओवर हमारा जो बचा था पानी है उसका, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ग्रेवी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, रसा आप जितना चाहें पानी डाल के भी। एक बॉईल आने तक इसे अच्छे से पकने दें। उसके बाद इसमें गरम मसाला डालें, मैंने यहाँ 1 टीस्पून डाला है। और साथ ही में कोरिएंडर फ्रेश लीव्स डाल के गार्निश करें। थैंक यू। रेसिपी अच्छी लगे ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।